वो R400 के बारे में पूरे मैंने जो जो प्रॉब्लम्स आई थी, मैं पिछले वीडियो में आपको नहीं बता पाया कि मुझे गाड़ी लेते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम हुआ और इसकी रेंज कितनी है, कितनी प्राइस आती है। ये पूरे वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल में आज जानकारी देने वाला हूँ कि कितनी देर तक चार्ज करने के बाद कितनी टाइम तक ही चलती है, कितना माइलेज देती है। मतलब आप पेट्रोल की बाइक कंपेरिजन करते हैं कि पेट्रोल के बाइक बाइक जो होती है वो माइलेज देती है और इसका रेंज में गिना जाता है एवरेज वगैरह, आपको मैं बताता हूँ पूरा डिटेल्स। आप वीडियो में बने रहिए एंड तक, बताना जाने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने जो गाड़ी की बुकिंग है तो वो 1 तारीख अक्टूबर महीना 2019 में किया था। बुकिंग करने के बाद 3 महीने के बाद मैं डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किया। डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने के बाद उन्होंने बोला कि वेरिफिकेशन वगैरह होगा RTO का वगैरह, फिर बाद में मुझे गाड़ी मिल जाएगी 15-20 दिनों के बाद। तो मैंने डॉक्यूमेंट देने के बाद उन्होंने बोला, बाद में सो लॉकडाउन हो गया, मैं आई थिंक मार्च 18 तारीख को लॉकडाउन हो गया था। जैसे मेरा 3 महीना पूरा हो गया था तो लॉकडाउन हो गया था। फिर उसके बाद जैसे यह लॉकडाउन खुलेगा सर आपको गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके, मुझे चलेगा। तो मैंने लॉकडाउन खुलने तक वेट किया। लॉकडाउन खुलने के बाद भी मुझे गाड़ी मिली नहीं, ये रिवॉल्ट की सबसे बड़ी गलती रही। लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं भी मान गया, क्योंकि अभी कोरोना के हालत में कोई दे नहीं पाएगा, ये सोच के मैंने छोड़ दिया। फिर बाद में मैंने फिर से एक बार उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा, जो कि वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, रेंट एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ मैंने दे दिया उनको, रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट वगैरह। फिर मैंने वो लोन से हटा के कैश में लेने के बारे में सोचा गाड़ी, जो कि मैंने अभी कैश में ही लिया है। आपको मैं पूरा डिटेल्स में प्रॉब्लम बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद वो डॉक्यूमेंट देने के बावजूद मुझे गाड़ी बराबर से मिली नहीं, मतलब गाड़ी मिली ही नहीं एक्चुअली, वो दूसरी बार डॉक्यूमेंट करने के बाद ही, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट घुमा दिया फिर से एक बार। तो डॉक्यूमेंट घुमाने के बाद मैंने उनको वो PDF वगैरह सेंड किया, फिर उनको फिर एक बार डॉक्यूमेंट जाकर दे दिया, रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट वगैरह। फिर उनको उन्होंने बोला कि आ जाएगी सर 15 दिनों के बाद, वेट कीजिए। तो उन्होंने मुझे अभी हाल ही में पिछले महीने, मतलब जून में मुझे 21 तारीख को गाड़ी मिल गई थी। मैंने कुछ तो डॉक्यूमेंट 15 या 12 तारीख को दिया था, पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह, वो बारे वेरिफिकेशन वगैरह होके मुझे मैसेज आ गया कि गाड़ी का नंबर ये है आपके, पूरा पैसा भरने के बाद। मुझे एक्चुअली गाड़ी जो है वो 1,30,000 के आसपास गिरी है, मतलब वैसे देखा जाए तो। लेकिन मेरे एक्चुअल में गाड़ी की जो प्राइस है वो 4,000 की गाड़ी की बुकिंग है, और मैंने टोटल जो पे किया है वो 1,13,000 का पेमेंट है उनको, ऑनलाइन से किया उनको, गूगल पे वगैरह आप कर सकते हो, वैसा भी ऑनलाइन से मिल सकता है, शोरूम में जाकर आप देख दोगे ऑनलाइन से तो हो जाएगा। मैंने दो बैंक से सेंड किया उनको पैसा, क्योंकि एक बैंक से 1 लाख ही होता है, आपको भी मालूम होगा वो। तो मैंने वो उतना किया। मुझे लास्ट मंथ में 21 जून 2021 में मुझे गाड़ी मिल गई। एक्चुअली 2 साल का गैप है इसमें, मतलब एक दो साल का गैप है टोटल। तो जानी जो अभी मैं आपको इसके बैटरी कैसे निकालते हैं, कैसे डालते हैं, इसके बारे में पूरे डिटेल में जानकारी देना चाहता हूँ। स्टार्ट करो। तो गाइज आपको ये हल्की सी की मिलती है, की है उसमें ऐसे डाल के थोड़ा सा ऐसे ये अंदर डाला, फिर उत्तर ऊपर के साइड में नहीं, क्या ये इधर थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा, थोड़ा हल्का सा, और इस चाबी को हल्के से घुमाना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट को घुमाना पड़ेगा आपको चाबी को, और ये खुल जाएगा। बस ऐसे खुल गया। तो इधर मेरा जियो का फ़ोन रखा है, मैंने लिया था वो 2,000 के आसपास लिया था, वो मैं साइड में कर दिया। और ये इसमें जियो का फ़ोन, आपका थोड़ा बहुत पावर बैंक वगैरह रख सकते हो, मैं वही रखता हूँ एक्चुअली, अब पूछने के लिए वगैरह कुछ गाड़ी को रख सकते हो इधर। और ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके इसको ऐसे निकालना है, ठीक है, इसको निकाल दिया। फिर ये आपका पूरा चार्ज बैटरी है, ये 20 किलो का बैटरी है, मैंने वजन तो नहीं किया लेकिन हाँ 20 किलो का बोला गया है मुझे। ये थोड़ा सा फिटिंग के लिए, ये पूरा पावर सप्लाई इधर से होता है, ये फिटिंग के लिए ये दिया गया है, इधर से आप देख सकते हो ये फिट करने के लिए इधर की गई दी गई है, जो कि आप ये लेने, ये यही की चाहिए इधर चलती है, ठीक है। आप ये की इधर लगाएंगे ना इस जगह पे, इसको लेफ्ट टू राइट घुमाना है थोड़ा सा हल्का सा, और सॉरी
या पहले निकालना पड़ेगा आपको पूरा, फिर इसे थोड़ा सा साइड को करना पड़ेगा, इधर साइड में किया या ऐसा करने के बाद इधर आप सर लगा सकते हो, हल्का सा घुमाना है लेफ्ट टू राइट, और इसको थोड़ा सा ऐसा उठाना पड़ेगा, इसके बाद आप निकाल सकते हो ऐसा पूरा बैटरी को निकाल सकते हो। मैं इसे निकालना नहीं चाहता, अगर आपको निकाल के दिखाना है वीडियो तो अगले कमेंट कीजिए, और इसका चार्जर भी चाहिए होगा आपको वीडियो में तो अगले वाले वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि आपको चार्जर का भी वीडियो बना के दूँ, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल तो इधर लाया नहीं चार्जर, मैं आपको दिखा दूंगा अगले वाले वीडियो में, अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए आपको मिल जाएगा। 3.5 घंटे इसे फुल चार्ज होने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं, एक्यूरेट बोलेंगे तो 3 घंटे 45 मिनट तक कम से कम मतलब 4 घंटे कम से कम इसको चार्ज करने के लगते हैं, जिसको 100% चार्ज हो जाएगी 4 घंटे में। और अभी मुझे मेरी जो आज चली है वो 23 किलोमीटर तक आज चली है पूरे दिन भर में, और मेरी पूरी बाइक जो है जब से लिया है तब से 369 किलोमीटर तक अब तक चली है पूरा टोटल, और अभी मेरी चार्जिंग है 83, मतलब मेरे 20% में इसने 23 इसने रेंज दी है 23 किलोमीटर। और इसका इधर कितना टेम्परेचर है वगैरह वो सब कुछ दिखाती है, कितनी बैटरी वगैरह बाकी है वो दिखा देती है। अभी पार्किंग मोड में इसके लिए दिखा रही है क्योंकि मेरा स्टैंड लगा हुआ है, और इधर से गाड़ी भी बंद है, इधर ऑफ रहते हैं उधर ऑन रहते हैं, ठीक है। तो स्टैंड अगर लगा हुआ होगा तो पार्किंग मोड में दिखाएगा, ठीक है, और इधर से बंद रहेगा तो भी पार्किंग मोड में दिखाती है गाड़ी। तो गाइज मैं आपको बैटरी के बारे में बताया, लेकिन एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया, और पूरा आपको मैं बताता हूँ उसके बारे में। जैसे कि आपको मालूम है कि 4 घंटे से फुल चार्ज होने के लिए लगते हैं, लेकिन रेंज के बारे में कोई सही भी नहीं पता है आज तक आपको। मैं आप दूसरे वीडियो में भी देख के बता सकता हूँ कि उतना रेंज गाड़ी देती नहीं है। वैसे तो कंपनी बोलती है कि 140 किलोमीटर तक आराम से चलती है गाड़ी इको मोड में, लेकिन नहीं चलती है, मैं आपको एक क्लियरली बता देता हूँ। क्योंकि अगर 20 के आसपास आप चलाते हो, 20 के अंदर स्पीड में, तो ये आपको शायद बोल रहा हूँ 100 क्रॉस कर देगी, 120 तक आराम से चल जाएगी 20 के अंदर। अगर 20 के ऊपर जाते हो, 20 के स्पीड के ऊपर जाते हो, आप क्लियरली बता रहा हूँ कि 120 से ऊपर जाते हो तो ये 100 के नीचे ही देगी, 100 के आसपास दे देगी। लेकिन अगर एक 30-40 के रेंज पे आप चलते हो, मतलब रेंज पे इस पे चलते हो, तो आपको लगभग ये दे देगी, आई थिंक मेरे हिसाब से 80 तक चली जाएगी। 30 के नीचे रहोगे तो 80 तक आराम से चली जाएगी, इतना ही मेरे को बताना था। लेकिन अगर ये आप अगर लॉन्ग रोड के लिए, मतलब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के लिए सॉरी आप 200 किलोमीटर तो कह ले गए तो बाइक लोगे भी नहीं, मुझे मालूम है। लेकिन अगर 100 किलोमीटर के लिए ले रहे हो तो इस गाड़ी आपके लिए नहीं है, मैं आपको एक क्लियरली बता रहा हूँ, आप मत लो इस गाड़ी को। अगर आप 60-70 ज़्यादा से ज़्यादा 70, क्योंकि 80 का भी कुछ भरोसा नहीं रहता। अगर आपने फास्ट चलाया, मतलब 50-60, मतलब ये जाती है 85 तक आराम से जाती है, मैंने खुद देखा है, कल देखा है कि 85 तक आराम से जाती है, कितना भी तेज़ रहने दो 85 आराम से चली जाएगी। अगर आपका ऐसा ढलांग है, मतलब नीचे के साइड में उतार पे चल रहे हो आप, तो 85 के ऊपर भी चली जाएगी, वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन 85 आराम से दे रही है। अगर आप 70 के ऊपर के जा रहे हो तो मत लो इस गाड़ी को, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी आपको इन फ्यूचर में आएगी। और बेल्ट का मैं जो बोल रहा था वो एक्चुअली रियल बोल रहा हूँ, बेल्ट बहुत खराब मुझे अच्छा नहीं लगा, बेकार लगा एकदम, क्योंकि वो आवाज़ देता है। और अगर सपोज़ एक एग्जांपल, अगर आपके घर में कोई बच्चा वगैरह है, उसमें ऐसा बेल्ट पे ब्लेड वगैरह मतलब कुछ कट हो गया, तो आपको शोरूम में जाना पड़ेगा और उसी वो बेल्ट लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, तो इसके लिए बोल रहा हूँ आप गाड़ी लो, लेकिन आपके हिसाब से लो कि आप 70 के आसपास जा रहे हो हर दिन आप, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गाड़ी ले सकते हो। लेकिन 70 के ऊपर आप जाते हो हर दिन तो आप गाड़ी मत लो, मैं अच्छे से बता रहा हूँ आपको। अगर आपको मैं इस बारे में बताना चाहूँ कि मैं गाड़ी में जितने ख़राब पार्ट्स, मतलब जो कुछ बुराइयाँ हैं वो
अलग से वीडियो बनाना चाहते हो आप, जो कुछ मतलब फाइबर हो, इसका जो बेल्ट है उसके बारे में, फिर इसका रेंज वगैरह सब कुछ, आपको जो जो इसका खामियाँ हैं इस गाड़ी में, उसके बारे में अगर वीडियो बनाना चाहते हो तो उस कमेंट में भेज दो। मैं आपको 101% मैं आपको वीडियो बना कर दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।